भारत को मिला खजाना, खजाने में मिला सफेद सोना। सफेद सोना जिसे हम रिसेंट कहते हैं, रिसेंट को सफेद सोना जो कहा जाता है, जिसे हम स्वागत समझते हैं। लेकिन इससे पहले हम बोल देते हैं रिसेंट कहाँ पर पाया गया है। लेकिन लिथियम है, लिथियम पर खजाने के रूप में भारत को मिला है बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। यह लिथियम जम्मू कश्मीर में पाया गया है। जम्मू कश्मीर में एक किला है जिसका नाम है रियासी। रियासी किले में एक जगह है जिसका नाम है सलाल घराना। सलाल घराने में लगभग 3 लाख टन की मात्रा में यह सफेद सोना पाया गया है, जिसे लिथियम कहते हैं। तो चलिए फिर हम समझते हैं कि लिथियम को सफेद सोना क्यों कहा जाता है। लिथियम का सबसे ज्यादा उपयोग किसने किया जाता है, बैटरी को बनाने में। लिथियम का उपयोग बैटरी को बनाने में फिर से किया जाता है, क्योंकि लिथियम का उपयोग करके बैटरियां बनाई जाती है वो बहुत ही ज्यादा हल्की रहती है, उनकी कैपेसिटी अच्छी रहती है, उनका रिचार्जिंग पॉइंट कम रहता है, मतलब देर से वो रिचार्ज होती है, और उनका चार्जिंग पॉइंट जो रहता है वो सबसे ज्यादा रहता है कि लेड एसिड बैटरी की अपेक्षा। इसीलिए लिथियम का उपयोग हम बैटरियों को बनाने में करते हैं। नहीं समझे, मोबाइल है आपके पास ना, तो मोबाइल में बैटरी लगी है कि नहीं लगी है? लगी है तो उसी बैटरी को बनाने में उपयोग किया जाता है। बैटरी डिस्चार्ज होती है कभी, डिस्चार्ज होती है कितनी बड़ी बैटरी है, कितनी बड़ी चीज लगी है ना, आप इतनी बड़ी तो लगी होगी नहीं, तो इतना बड़ा मोबाइल है, इतने बड़े मोबाइल में इतनी बड़ी बैटरी लग जाए नहीं लगेगी, इतनी बड़ी बैटरी लगती है इसको कितने बार अब तक डिस्चार्ज कर सकते हो, कितने बार चार्ज कर नहीं पता। तो इसीलिए इसमें लिथियम आयन का बैटरी का उपयोग किया गया है, क्योंकि इसका जो रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग मतलब इसकी जो साइकिलिंग प्रोसेस है इसका बहुत ज्यादा रहता है प्रोसेसिंग इसका, क्योंकि इसकी जो साइकिलिंग प्रोसेसिंग है ये बहुत ही ज्यादा लाखों में इसकी संख्या रहती है, इसको आप लाखों बार चार्ज कर सकते हैं, लाखों बार डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसीलिए हम मोबाइल में बैटरी, मोबाइल की बैटरी रहती है उसको बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ लिथियम आयन बैटरी का उपयोग बहुत ही क्षेत्रों में करने लगे हैं। तो लिथियम आयन बैटरी कुछ इस प्रकार की रहती है, मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा दे देता हूँ। ये है लिथियम आयन बैटरी, ये इतनी बड़ी बैटरी है, ये लगभग हाँ ये लगभग 1200 mAh की है, और इसका जो वोल्टेज है वो 3.7 वोल्ट है, 3.7 वोल्ट की ये बैटरी है। तो इसी बैटरी की सहायता से हम इससे और भी बड़ी बैटरियों का निर्माण करते हैं। इसी बैटरी को हम अटैच करके 12 वोल्ट की बैटरी को भी बना लेते हैं, और 12 वोल्ट से हम 24 वोल्ट से फिर हम 48 वोल्ट की बैटरी हम बना लेते हैं, 48 वोल्ट की बैटरी बना लेते हैं। जब तीन बैटरियों को धीरे धीरे सीरीज कनेक्शन में जोड़ दिया जाता है, ये बैटरी है 3 वोल्ट की, 3.7 वोल्ट इसका क्या इसका चार्जिंग है। तो हम इसके साथ साथ इसे हम तीन बैटरियों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव। जब इसके पॉजिटिव है जब इसके निगेटिव से इसके पॉजिटिव को और इसके निगेटिव से इसके पॉजिटिव से, मतलब इधर से हम पॉजिटिव को ले ली और इधर से हम निगेटिव को ले ली, इधर से हमें निगेटिव मिला इधर से हमें पॉजिटिव मिला है। जब हमें पॉजिटिव और निगेटिव मिल जाता है तो इसका 3.7 इसका 3.7 और इसका 3.7 वोल्ट, जब इन तीनों बैटरियों को आपस में जोड़ देते हैं तब हमें लगभग 12 वोल्ट के आसपास का करंट मिल जाता है, जो 12 वोल्ट पर रन कर जाता है। इसलिए हम इस प्रकार से हम 12 वोल्ट की बैटरी का निर्माण कर लेते हैं इन्हीं इसी बैटरी का उपयोग करके। इसका जो एम्पीयर है इसका जो एम एच है वो लगभग 1200 mAh की ये बैटरी आपको मार्केट में आपको 30-35 के रेंज में मिल जाएगी, 35-40 के रेंज में फिलहाल मिल जाती है। लेकिन अगर हम इसी की जगह पर लिथियम आयन बैटरी की जगह पर हम लेड एसिड की बैटरी का उपयोग करते हैं तो हमें वह बैटरी सबसे ज्यादा तो लाइट वेट नहीं रहेगी, उसका वेट ज्यादा हो जाएगा। अच्छा जरा सोचिए, अगर हम मोबाइल में लिथियम की जगह पर लेड एसिड बैटरी का उपयोग करें तो क्या होगा, सोचे हैं नहीं सोचे हैं? तब होगा क्या, मोबाइल इस हाथ में पकड़ेंगे और बैटरी इस हाथ में पकड़ेंगे, ऐसे लेके चलेंगे? बैटरी को फिर उसके कनेक्शन के लिए हमें तार को भी लेके जाना पड़ेगा, तो फिर बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो अच्छा इसलिए हम इतनी बैटरी में काम चला लेते हैं, और जो लिथियम आयन की बैटरी रहती है ना इतनी बड़ी रहती है लगभग, अरे किसी मोबाइल में आपको इतनी बड़ी मिल जाएगी यार, इसमें क्या तो यार समझ नहीं पाता। ठीक है, तो अगर किसी की जगह पर हमें लेड एसिड बैटरी का उपयोग करेंगे तो पहली बात तो जल्दी मोटी हो जाएगी, मोटी हुई फिर उसमें हम पानी भरेंगे, पानी नहीं यहाँ तेजाब मारते हैं, हाँ तेजाब ही भरेंगे, तेजाब भरेंगे तो वो लीकेज
का तो मोबाइल का जो थिकनेस रहती है इतना मोटा हो जाए, इतना मोटा मोबाइल को हम पकड़ रहे हैं, अरे यार इतने में 4 मोबाइल पकड़ लोगे, 5 पकड़ लोगे, इतने 3 मोबाइल बन गए। तो लिथियम आयन बैटरी के एडवांटेज बहुत सारे हैं इनका। सबसे पहला तो समझ लीजिए मोबाइल में, अब समझिए दूसरी जगह। चलिए फिर इसके बाद दूसरा समझते हैं, जो रिक्शे आ रहे हैं तो रिक्शे में हम बैटरी का उपयोग करते हैं। कौन सी अभी कौन सा उपयोग कर रहे हैं हम? लेड एसिड, लेड एसिड बैटरी का उपयोग कर रहे हैं। लेड एसिड बैटरी लगभग इतनी बड़ी रहती है, इतनी बड़ी रहती है, वो भी कितने की रहती है? 12 वोल्ट की। 12 वोल्ट की बैटरी इतनी बड़ी रहती है, तो इतनी बड़ी बैटरी रहती है तो उसका वेट भी रहता है लगभग 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 इसका वेट जो रहता है तो बैटरी, अरे आप 30 मान लीजिए, जब 30 मानेंगे, अरे रिक्शे में कितनी बैटरी लगती है? 4 बैटरी लगती है। चार क्यों लगती है? क्योंकि उसका जो मोटर रहता है वो 48 वोल्ट का रहता है, 48 वोल्ट का उसका मोटर रहता है। 48 वोल्ट को चलाने के लिए 12 वोल्ट की बैटरी चल जाएगी? नहीं चलेगी। यहाँ पर हमें 48 वोल्ट बनाना पड़ता है बैटरियों को मिलाकर। तो हम एक बैटरी तो हम चारों बैटरियों को कनेक्ट करते हैं सीरीज कनेक्शन में। जब सीरीज में कनेक्शन जब सीरीज में इसको कनेक्ट करते हैं तो 12 वोल्ट इसका, 12 उसका और 12 उसका, 12 चुपके 48 वोल्ट बन जाता है। तब जाके हम किसी भी रिक्शे को आगे बढ़ा पाते हैं, उसे किसी भी तो उसे हम इलेक्ट्रिसिटी पर ऑपरेट कर पाते हैं। क्योंकि देखिए 12 वोल्ट का जो करेंट है वो उतना ज़्यादा सफिशियंट नहीं है किसी भी मोटर को खींचने में, इसलिए हम 48 वोल्ट का उपयोग करते हैं जो किसी भी लोड को ले जाने में सक्षम होता है। तो लगभग 2 से 3 से 4 से 5 क्विंटल तक वो खींच लेता है, खींच तो लेता है लेकिन वो ढंग से चल नहीं पाता है, लेकिन खींच लेता है। तो हमें पावर ज्यादा चाहिए ना किसी भी लोड को खींचने के लिए, जब पावर की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है तो हम उसको वोल्टेज बढ़ाते हैं, जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तभी हमें करंट अच्छा खासा मिल पाता है। तो जो इसका वेट रहता है कि चारों बैटरियों को मिलाकर तो लगभग 1 क्विंटल 20 किलो का पड़ जाता है, क्योंकि एक बैटरी ही लगभग 30 किलो के आसपास की रहती है। 30 केजी की एक बैटरी रहती है तो जब 4 को लेंगे तो आप 3 × 12 लगभग 1 क्विंटल 20 किलो, 1 क्विंटल 20 किलो का आसपास यही हुआ इसका वेट। जब 1 क्विंटल 20 किलो का वेट यही हो गया तो रिक्शे में और कितने को बैठेगा? मतलब 3 आदमियों का वेट कम कर दिया, 3 आदमियों को यह नहीं ले जा सकता क्योंकि इतने बैटरियों को भी लाद रखा है उतना ज्यादा वेट, उसी को खींचने में इसका एनर्जी का लॉस होगा। तो कुछ वहां पर स्पीड भी स्लो हो जाती है क्योंकि फट तो पड़ता है हर एक चीज पर। तो इसी लॉस को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह जो लिथियम आयन बैटरी रहती है ये लाइटिंग वेट रहती है, हल्की रहती है, कितनी सी बड़ी बैटरी रहती है। इसी से हम इसी को हम आगे जोड़कर हम 12 वोल्ट बनाते हैं, 12 से 48 वोल्ट। जो 48 वोल्ट की बैटरी आती है इसकी लिथियम आयन की, तो वो लगभग इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी और इतनी ऊंचाई के आसपास की बैटरी आ जाती है, वो भी अच्छे खासे पावर में। तो हम उस बैटरी का उपयोग करेंगे या फिर लेड एसिड बैटरी का उपयोग करेंगे जिसमें तेजाब डाल, आप ही बताइए जरा कौन सा उपयोग करेंगे? लिथियम आयन बैटरी का। लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करेंगे तो ये क्या होता है, इसका साइज कम रहता है, उनकी अपेक्षा में जितने में वो एक आते जितने में वो 4 आते उतने में तो एक आ जाती है। तो हम किसका उपयोग करेंगे? लिथियम आयन का। लिथियम आयन का उपयोग करेंगे, एक तो वेट कम होगा, दूसरा उसका जो साइज रहता है उसकी जगह पर हम किसी दूसरे एक्सेसरीज को वहां पर स्टेब्लिश कर सकते हैं, वहां पर उसको रख सकते हैं। तो पहला तो साइज कम हुआ, फिर दूसरा वेट कम हुआ, इसका चार्जिंग कैपेसिटी रहती है वो अच्छी रहती है, जल्दी चार्ज होती है, देर से डिस्चार्ज होती है, और इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी रहती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी जो रहती है तो इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है, देर तक चलती है, हजारों बार डिस्चार्ज करते हैं कर सकते हैं और आगे से हजारों बार चार्ज कर सकते हैं। तो जो कार पर चल रही है तो उसमें भी हम लिथियम आयन बैटरी का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि अगर वहां पर हम लेड एसिड बैटरी का उपयोग कर देंगे, मतलब तेजाब वाली बैटरी का, इतनी बड़ी वाली बैटरी का उपयोग कर देंगे तो वहां पर कार में कितना मुश्किल से पीते आप पार्किंग पड़े इंजन होगा तो वो ढंग से आ पाता, डिग्री छोटी सी मिलती थी, तो उसी को कम करने के लिए हम यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करते हैं। लिथियम आयन की बैटरी रहती है, देखे रहे होंगे ये जो कार में रहती है इनका कार का ये सेल रहता है लगभग कुछ इस प्रकार से आया ठीक है, लगभग कुछ ऐसा रहता है, यहाँ पर कभी चक्के वक्के लगे रहते हैं और यहाँ पर पहले इंजन होता था तो इंजन को हटा दिया गया है, यहाँ पर डिग्री होती थी, तो अब यहाँ पर क्या किया गया है कि जो बेस रहता है इसका, जिसका बेस रहता है यहाँ पर हम बैटरियों को लगा देते हैं,
जो बैठने ये पेटी की बड़ी की रहती है, तो इसका पूरा सा एक तैयार हो जाता है, एक लेयर बन जाती है। तो लेयर के फॉर्म में हम यहाँ पर उनको बेस में ही रख देते हैं। जब बेस में रख देते हैं तो हमारी जो इंजन की जगह थी वो खाली हो गई। कितनी जगह ये तो खाली हो गई, पाछे से दिखती तो वो तो खाली ही रहती है। तो वहाँ पर इसको हम लाइट ही वेट बना देते हैं, क्योंकि अब हल्का हो जाता है। इसकी पहले भी अपेक्षा में जो इंजन है तो बहुत ज़्यादा भारी रहता है। इंजन के उपयोग करने से हमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा तो प्रदूषण ही होता था, दूसरा हमारी जो इकोनॉमी है वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें क्या हुआ, पेट्रोल की बचत हुई, पैसे की बचत हुई, दूसरा मेंटेनेंस कुछ कम हुआ, रिड्यूस हुआ, मेंटेनेंस रिड्यूस हुआ, और तीसरा हमें सबसे ज्यादा फायदा मिला है तो पॉल्यूशन कम हो रहा है इससे, इसका उपयोग करने से। लगभग ये नो पॉल्यूशन जनरेशन है ये इलेक्ट्रिसिटी पर, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिसिटी पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम गाड़ियों में भी, मोटरसाइकिलों में भी, यानी जो स्कूटी आ रही है उसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये जो मीथेन है ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, इसीलिए हम इसको सफ़ेद सोना भी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ जो लिथियम आयन है इसका उपयोग हम कार के प्रोडक्ट को बनाने में, एयर कंडीशनर को बनाने में इसका उपयोग करते हैं, और इसके साथ साथ एल्यूमिनियम के उत्पादन में भी हम इसका उपयोग कर लेते हैं। जो लिथियम आयन रहता है ये बहुत ही ज़्यादा हर एक क्षेत्र में लगभग इसका उपयोग किया जाता है, बैटरी तो इसे बनाई ही जाती है। भैया भारत में हर एक चीज़, भारत को लोग ऐसे ही नहीं सोने की चिड़िया करते। तो आई होप लिथियम के बारे में दी गई जानकारी तो आप समझ पाए। किसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।